वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, एक्चुअली ये जो स्टार्टिंग है वो हम बाद में जब एडिट कर रहे हैं वीडियो तब बना रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है मैं ये दिखाने का कोशिश करूंगा कि बिहार में जो ट्रेडिशनल जो मैरिज वगैरह होता है किस टाइप से होता है। एक्चुअली हमारा ब्रदर इन लॉ का शादी है तो उसी में हम लोग अभी जा रहे हैं, जा नहीं रहे, गए थे, तो उसी का पूरा आज ब्लॉग आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और आज का जो बिहार में जो शादियां वगैरह होती है किस टाइप से होती है तो उसका पूरा डिटेल मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। तो अभी 5:51 हो गया है और ये देखिए गया धनबाद इंटरसिटी लगा हुआ है, इसी से हम लोग जा रहे हैं। तो अभी 5:51 हुआ है, अभी 8-9 मिनट का टाइम बचा हुआ है और ये अभी हम धनबाद स्टेशन पर हैं। तो ये देखिए पीछे हावड़ा का ट्रेन अभी खुल रहा है और हमारा ट्रेन का टाइम 6 बजे है। गाइस अभी 10:04 हुआ है और अभी देखिए हमारा ट्रेन गया पहुंच गया है और यहां से अभी 20-25 किलोमीटर और आगे है जो आगे जाना है। तो अभी हमारा अभी देखिए कितना सारा लगेज यहां पे, अभी यहां पे उतर गए हैं। भाई तो ये देखिए टिकारी का मार्केट है और अभी हमने टिकारी उतरा है और आज सामान ज़्यादा होने वाला नोटो करके और अजीत और आज ज़्यादा घरों को सबको हमने भेज दिया है ऑटो से, तो सामान ज़्यादा था, जगह नहीं था तो मैं भी पैदल जा रहा हूँ। ये देखिए मार्केट है, देखिए टिकारी का मार्केट है और हम लोग ने 1 से 10 क्लास तक यहीं इसी शहर में स्कूल में पढ़े थे तो आज मौका मिल गया यहाँ का दिखाने का। गाइज तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं और एक्चुअली जहाँ पे शादी है वहाँ पे हम लोग रात को जाएंगे। अभी हमें लोग अभी दूसरे जगह पे जैसे अपने जो साले हैं उनके घर पे हैं और जो शादी है वो हमारे कज़न ब्रदर इन लॉ का है तो वहाँ पे हम लोग शाम को जाएंगे और शादी अटेंड करेंगे। और अभी ये देखिए हम लोग आ गए हैं और अभी ये तिलक सेरेमनी चल रहा है तो उसी फंक्शन में तिलक सेरेमनी हो रहा है। ये देखिए सामने लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये अभी देखिए बारात जाने के लिए तैयारी चल रहा है। एक्चुअली बारात जाने से पहले जो भी घर के दामाद होते हैं और जो सिस्टर होते हैं तो ये लावा भूंजने का एक प्रक्रिया होता है जो कि अभी ये देखिए सामने हो रहा है और वो जो सामने बैठे हुए हमारे सबसे बड़े साढ़ू भाई हैं और जो लावा भूंज रहे हैं वो सबसे बड़ी बहन है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी बाराती जाने के लिए लावा भूंजने वाला प्रक्रिया चल रहा है और एक एक करके जितने दामाद हैं सारे लोग यहाँ पर ये प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद होने के बाद फिर बाराती विदा होती है। और यहाँ पे ये देखिए सिंपी आ गए हैं जो कि जो नीचे पैर रंग रही है वो नाउन है तो ये भी एक तरह का प्रक्रिया होता है जो कि सारे का पैर रंगेंगे और नाउन यहाँ पे सबसे पैसे लेती है तो यहाँ पे नाउन इसी चक्कर में रहती है कि सबका पैर रंगे और हमारा पैसे मिले और हमारा बेनिफिट हो। तो ये देखिए अभी सिंपी का पैर यहाँ पे रंगा रहा और एक एक करके वो सारे जितने भी बहन और सबका रंगाई होगा। और ये देखिए हमारे दूसरे जो कि अपना जो साढ़ू भाई हैं वो आ गए हैं, ये एक्चुअली रांची में रहते हैं और ये देखिए उनकी सिस्टर हैं, तो उनकी सिस्टर नहीं, वो जो उनकी शादी है उनकी सिस्टर हैं और वो देखिए यहाँ पे लावा भूलने का दूसरा प्रक्रिया यहाँ पे। और ये देखिए जिसका इंतज़ार था वो सामने बैठे हुए हैं, एक्चुअली जो बैठे हुए वो मैं हूँ और ये सिंपी हैं। तो अभी हम लोग का टाइम आ गया लावा भूनने का,
तो यहाँ पे लावा भुंजे का जो भी फंक्शन हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और ये देखिए लावा भुंजते टाइम जो कि कुछ उन लोगों को सिम्पी को दिया जा रहा है। और ये देखिए, और यहाँ पे ऐसे जैसे ऐसे बैठाया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ज़बरदस्ती बैठा दिया, बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल डरे सहमे टाइप का यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं जोक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लावा भुंजने के लिए मुझे बैठाया गया है, उसका जो भी है वो यहाँ पे निभाया जा रहा है। और यहाँ देखिए अभी सबसे छोटे वाले साढ़ू भाई आ गए हैं, एक्चुअली हमसे भी छोटा है, तो ये सबसे छोटे वाले साढ़ू भाई हैं और ये साली हैं हमारे। तो अभी हमारे होने के बाद इन लोग का बारी आ गया है और ये लावा भुंजने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया से यहाँ लावा भुंजा रहा है, जैसे फ़ोटोशूट कराने के लिए वो कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए फोटोग्राफर जो हैं कि सामने फ़ोटो शूट कर रहे हैं और एक एक करके फ़ोटो दिखा भी रहे हैं ताकि बढ़िया फ़ोटो आया या नहीं आया है। अध्या गंदी बात, अध्या गंदी बात दोनों है बाबू, मैं रोक रहा हूं कर ले ये काफी दिन बाद से कमलिया हटाओ। हेलो, ऐसा कमलिया रखो, ब्लॉग में चेंज नहीं आप? हाँ बिल्कुल देखती हूँ। हाँ तो इसलिए आपको ब्लॉग के अंदर ले ले रहे हैं। क्या है बेटा? ये मेरा बेबी रे आ जा रहे हैं। क्या है? ये देखिए सबसे छोटी साली हुई है, बस एकलौता साली भी है और हमारे ससुराल में कोई साली नहीं है, तो खुशकिस्मत है कि एक साली मिल गई। और यहाँ पे बारात निकलने की तैयारी हो रहा है और ये देखिए सारे बैंड वाले आ चुके हैं और बाराती निकलने का यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुका है। और ये यहाँ पे देखिए सारे जो भी बाराती गण थे वो बाराती के बाद यहाँ पे देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे दूल्हा जो कि है बीच में बैठा हुआ है और जो नाई है वो ये देखिए जो कि
नाई जो है वो दूल्हे का सर में पगड़ी बांधने में लगा हुआ है। और सामने ये देखिए मनोरंजन बारातियों के रात भर के लिए मनोरंजन का जो भी सिंगर वगैरह है उनको बुलाया गया है और यहाँ पे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जो कि बारातियों को रात भर का इंटरटेनमेंट का। और यहाँ चारों तरफ बारातियों लोग बैठे हुए हैं और सारे इंजॉय कर रहे हैं। जागरण के मंच ना हो जैसा कोई हमारे प्रवचन सुने, लेकिन इस बात को इतना जरूर जानते हैं कि इसमें भी कुछ ऐसे प्रबुद्ध जन हैं जो हमारी बातों को सुनेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा। दिमाग में बस इतना ही रख लेते हैं और आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत वहां से करते हैं कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटी और यहाँ पे देखिए जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है और यहाँ पे देखिए दुल्हन चली आ रहे हैं सामने से। और ये देखिए जो कि उनके भाई लोग हैं वो ऊपर से फूलों का जो भी है उसके नीचे अपने बहन को लेकर आ रहे हैं और सामने दूल्हे राजा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी सामने से दूल्हे राजा देख रहे हैं और अभी ये घड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग ये देखिए सामने ये दूल्हे राजा यहाँ पे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं और अभी उनके हाथ पकड़कर और ऊपर स्टेज पे ले जाने के लिए देखिए सामने से। और यहाँ पे नोटिस कीजिए देखिए फोटोग्राफर ऐसे मुंडी घुमा घुमा कर ले रहा है जैसे लग रहा है कि पता नहीं कौन सी तोप चलाने वाला है वो। और यहाँ पे देखिए ये जो दूल्हे राजा है वो दुल्हन को गुलाब का फूल गिफ्ट कर रहे हैं और दुल्हन यहाँ पे दूल्हे को उठा लिया। और यहाँ पे इसके बाद अभी रिंग सेरेमनी का किया जा रहा है। ये देखिए दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का अंगूठी पहनाएंगे। और यहाँ जयमाला का ये देखे टाइम आ गया है। दुल्हन दुल्हन अपने माला लेकर तैयार है और दूसरे का सर में एक एक करके माला डालेंगे और उसके बाद जिंदगी भर के लिए एक दूसरे का होने वाले हैं। ये देखिए दुल्हन ने यहाँ पे माला डाल दिया। अब दूल्हा की बारी है। अब दूल्हे थोड़ा शर्मा रहे हैं लेकिन शर्माने से कुछ नहीं होगा। और ये देखिए दूल्हा भी यहाँ पर दुल्हन के माला डाल दिए हैं। आप सभी कितने हमारे अभिभावक भाई कितने में हैं हमारे लिए बहुत लाभ। और आज हमारे आप लोग और ये यहाँ पे सारे लोग खाने के लिए देखिए खाने के लिए आ गए हैं और यहाँ पे खाने का व्यवस्था किया गया है बारातियों के लिए। तो सारे लोग यहाँ पे बारातीगण खाने का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए शादी वगैरह हो गया है और दूल्हा दुल्हन को सुबह में एक आशीर्वाद
आशीर्वादी का प्रक्रिया चलता है, जो कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो कि दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं। तो ये देखिए वो सुबह के टाइम में आशीर्वाद चल रहा है, और ये जो सामने बैठे हैं दूल्हे का बड़े भाई हैं जो कि अपना रिवाज करने में लगे हैं। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और सारा हमने जो भी शादी से रिलेटेड ब्लॉग था वो दिखाने का कोशिश किया है। तो फिलहाल सारा कुछ हमने यहाँ पे दिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।